हेलो साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह पटेल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए आज हम जानते हैं सुमोल के बारे में। साथियों जो सुमोल सिरप होता है इसमें तीन कैटेगरी आती है। साथियों सुमोल ड्राप आता है, ये देखिए सुमोल ड्राप है। साथियों सुमोल ड्राप के साथ साथ इसका जो है कि एक सुमोल प्लस, ये देखिए सुमोल प्लस सिरप आता है। इसके अलावा साथियों एक सिरप और आता है, ऐसे ही होता है, वो भी सुमोल डीएस। साथियों ये तीन सिरप आते हैं, सुमोल ड्राप, सुमोल प्लस सिरप और उसके बाद सुमोल डीएस। साथियों मैं आपको बता दूं, सुमोल ड्राप ये पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए होता है। यदि बच्चे का वजन कम है तो आप सुमोल ड्राप दीजिए, यानी कि कहें तो यदि बच्चे का उम्र बहुत ही कम है, जैसे बच्चा 5 महीने से कम ही है, तब उसको ड्राप देंगे। यदि उसका वजन 6 केजी से ऊपर जा रहा है तो आप सिरप देना शुरू कर देंगे, लेकिन यदि 5-6 केजी से नीचे है बच्चे का वजन तो आप उसको ड्राप दें तो सबसे बेहतर रहेगा। साथियों उसके बाद यदि 8 केजी का बच्चा है तो यह सुमोल प्लस देना है, 5 ml सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना है। और उसके बाद सुमोल डीएस आता है, इसी का साथियों डबल डोज होता है, यानी कि जो इसमें जितना मिला हुआ है पैरासीटामोल और मीफेनिक एसिड सीधे सीधे इसका डबल होता है उसमें। तो साथियों ये होता है, लेकिन इसके लिए अब हम शुरू करते हैं सुमोल प्लस के बारे में। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एल्केम कंपनी ने बनाया है। साथियों इसके पीछे लिखा हुआ है एल्केम लेबोरेटरीज ने इसको बनाया है और ये सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है। साथियों ये सिरप इतना बेहतर काम करता है कि आपके बच्चे को कैसा बुखार ठीक हो जाता है। यदि दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए भी काफ़ी रिलीफ देता है। तो साथियों एल्केम लेबोरेटरीज ने इसको बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। साथियों इसके साल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें साल्ट क्या क्या मिला हुआ है। तो पैरासीटामॉल सुमोल प्लस में, साथियों सुमोल प्लस में पैरासीटामॉल 125 mg और मीफेनिक एसिड, साथियों जो मीफेनिक एसिड है इसमें 50 mg मिली हुई है, यानी कि 50 mg पर 5 ml और पैरासीटामॉल 125 mg पर 5 ml। लेकिन जो सुमोल डीएस होता है साथियों उसमें मीफेनिक एसिड 100 mg पर 5 ml होता है और जो आपका पैरासीटामॉल होता है वो 250 mg पर 5 ml होता है। तो इसका सीधे डबल होता है डीएस का। तो साथियों ये हो गया कंपोजिशन। कंपोजिशन के बाद इसका यूज जान लीजिए। साथियों इसका यूज हम अक्सर करके पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तभी सिरप देते हैं। तो साथियों इसको हम 15 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं, यानी कि 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सुबह दोपहर शाम तीन टाइम देते हैं। 4 बार भी आप दे सकते हैं, यानी 6-6 घंटे पे भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर 3 टाइम ही देते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। तो साथियों इसका यूज जान लीजिए। यूज जो है कि साथियों पेन रिलीफ के तौर पे काम करता है, यानी कि दर्द हो रहा है बच्चे को, कहीं बुखार हुआ है तो बुखार में भी काम देता है, उसके साथ साथ जो है कि दर्द में भी काफी रिलीफ देता है। साथियों इसका हम साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि इसका क्या साइड इफेक्ट है। साथियों कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि जितनी एलोपैथिक दवाएं हैं सबकी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। तो साथियों साइड इफेक्ट में सुमोल सिरप है या ड्राप है, इसका साइड इफेक्ट नाजिया होगी, यानी कि कभी कभी नाजिया हो जाती है, कभी कभी उल्टी हो भी जाती है, कभी नहीं होती। नाजिया मीन्स मुंह में पानी आना लगे जैसे उल्टी होगी, और वोमिटिंग भी कभी कभी हो जाती है, डायरिया भी कभी हो जाती है साथियों, और उसके साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि जो भूख होती है वो कम हो जाती है साथियों धीरे धीरे करके, और हार्ट बर्न कभी कभी हार्ट बर्न भी होने लगता है, यानी यहाँ पे जलन होना शुरू हो जाती है। साथियों इस सिरप को हम बच्चे को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पिलाते हैं भोजन के साथ, यानी कि कुछ खिला के ही इस सिरप को दीजिए। सुबह दोपहर शाम जब भी सिरप पिलाना है आप कुछ ना कुछ बच्चे को खिला पिला दीजिए, उसके बाद इस सिरप को दीजिए, जिससे कि बहुत ही अच्छा काम करता है। साथियों इस सिरप को वैसे नहीं देना है, क्योंकि अगर आप खाली पेट देंगे तो साइड इफेक्ट ज़्यादा असरदार होते हैं और साइड इफेक्ट ज़्यादा मतलब कि दिखाता है, लेकिन यदि आप उसके
साथ साथ भोजन देने के बाद इस सिरप को पिलाएं तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो साथियों ये हो गया सुमोल ड्राप, सुमोल प्लस और सुमोल डीएस, इसके बारे में आप जान गए। आप अपने बच्चे को आराम से पिला सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कैसे पिलाना है। साथियों 8 केजी का बच्चा है तो सुमोल प्लस 5 ml चलेगा, यानी सुबह दोपहर शाम 5-5 ml। यदि डीएस पिला रहे हैं तो आप 2.5 ml, यानी सीधे इसका आधा, यानी कि 8 केजी बच्चे को 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम को, क्योंकि इसकी सीधी डबल डोज उसमें होती है। तो साथियों बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। उसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो साथियों बस यही, फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद।